अगर हमारे घरों में अगर हम ये एहतियात बरतें और ये अमल करें जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके घरों के अंदर बहुत फ़ायदा होगा। एक तो किचन में दूध को खुला ना छोड़ें। दूध को अगर ना ढका हुआ आपने हो, खुला हो, हाइजीन के हवाले से भी ये दूध में कचरा जाता है, प्लस खुला दूध जो है वो नज़र को लगता है। किचन में जो खाने बनाने की जगह रिस्क आप पकाते हैं अपना, उधर बराए करम जूते लेके ना जाएं। लोग इस बात को नहीं समझते, मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ रिस्क आपका बनता हो, पकता हो, वहाँ से सर्व होता हो, वहाँ जूते लेके ना जाएं। मकड़ी के जाले उस जगह होते हैं जो सुनसान होता है, बयाबान होता है। क्या आप अपने घर को बयाबान बना रहे हैं, सुनसान बना रहे हैं? आप घर में आबाद है, घर लोग रहते हैं, इन घरों में खुशियाँ होनी चाहिए, कहके होने चाहिए, तो घर में मकड़ी का जाला तो होना ही नहीं चाहिए। जो आपका गार्बेज कैन होता है, यानी कचरे का डब्बा जो होता है, वो किचन में नहीं होना चाहिए। आपका कचरा लिया और उसको आपने घर के बाहर या किसी ऐसी जगह पर, वहाँ पे आपने उसके डब्बे में या जो टिन है या जो आपका कैन है, गार्बेज कैन है, या जो भी आपकी बाल्टी शाल्टी जो भी आपने रखी है वो उसके अंदर डाल दें, मगर किचन में कचरे का डब्बा नहीं होना चाहिए। किचन में खाना बनाते हुए आपने एक तो सर के ऊपर दुपट्टा रखना है। खाना बनाते वक्त बाल गिरता है और बाल खाने में बहुत नुकसानदेह, बाल हजम नहीं हो सकता। ये जो बाल गिरता है खाने में, वो सीधे आपके पेट में जाता है और वहाँ आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसमें बरकत के लिए काम और करें, जब आप खाना बनाया करें तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें।